स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। मैं हूँ आपका दोस्त वरुण सिंह। दोस्तों आज टैलेंट अवेकनर के लिए बहुत स्पेशल दिन है, हमारी नई गेस्ट हमारे बीच है, तो वो पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर आज बात करेंगे कि हम कौन से टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अंजलि संधु जी, स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। थैंक यू सो मच वरुण जी, आज आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। ओके, सो अंजलि जी जो है वो आयल्स की एक्सपर्ट है। आज हमारा टॉपिक आयल्स है, बहुत ही कमाल का टॉपिक है। अंजलि जी की गाइडेंस में बहुत सारे लोगों ने आयल्स क्लियर भी किया है और अभी रिसेंटली अंजलि जी ने आयल्स विद हाई स्कोरिंग जो है क्लियर किया है। तो अंजलि जी, हमारे व्यूअर्स जो है वो आयल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज हमें आयल्स के बारे में गाइड करें। जी वरुण जी, बिल्कुल। सो आयल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वरुण जी। जो आज की जनरेशन है, स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, जो वो स्कूल से निकलती है तो उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है। और आज के टाइम पे जो ट्रेंड है वो चाहते हैं कि हमें फॉरेन जाके स्टडी करनी है। उसके दो रीजंस हैं, हमारे पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं एंड सेकेंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे जो जनरेशन के बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमें कैसे जाना है और उसके लिए क्या करना है। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो सिंपल तरीके से जो स्टूडेंट है वो वहां जाके स्टडी कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम आज आयल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो आयल्स की सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहती हूँ कि आयल्स का मतलब क्या है। दिस इज जस्ट अ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो एक सिस्टम क्या करता है, आपकी क्वालिफिकेशन चेक करता है कि क्या आप एलिजिबल हो फॉरेन में स्टडी करने के लिए, और आपको उस एलिजिबिलिटी के तौर पे वहां पे स्टडी करने का मौका मिलता है, ठीक है जी। सो ये हमारा मेन एक सिंपल टेस्ट होता है। तो अगर मैं बात करूँ इस आयल्स के टेस्ट की, आयल्स के साथ साथ और भी काफी सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो एक मीडियम लेवल का, जो मीडियोकर लेवल का टेस्ट है वो मैं आयल्स को मानती हूँ, जो एक इजिली बच्चा यहाँ से करके क्वालिफाई, अपना सपना पूरा करने के लिए कह सकते हो, अपने ड्रीम्स को क्वालिफाई करने के लिए वो वहां तक पहुंच सकता है। तो ये एक बेसिक चीज जो आयल्स। ओके, सो अभी अंजलि जी ने हमें आयल्स के बारे में गाइड किया, हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अंजलि जी, हमें ये बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आयल्स के लिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आयल्स दो तरह की होती है, एक होती है जनरल आयल्स, एक होती है एकेडमिक आयल्स, ठीक है जी। तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक माइनर डिफरेंस है। तो वो माइनर डिफरेंस है वो हम आगे करेंगे, लेकिन उसके लिए अगर आपको आयल्स क्वालिफाई करनी है तो आपके पास सबसे पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन है मिनिमम वो प्लस टू होनी चाहिए, ठीक है जी। और जो आपका एज बार क्राइटेरिया है वो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, लेकिन जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन क्राइटेरिया है कि अगर आपको आयल्स का टेस्ट क्वालिफाई करना है तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आप आयल्स का एग्जाम यहाँ पे फिल करके, आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके आप वहां तक जा सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन है। ओके, सो हमारे व्यूअर्स ने अभी ये जान लिया कि आयल्स क्या है और उनको ये भी पता चल गया कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फॉलो करें। सो अंजलि जी, इस जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है आईएस के लिए, कैसे क्रैक कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल वरुण जी, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताती हूँ। जो आईएस का पैटर्न है ना, हम कभी भी एग्जाम देते उसका सिलेबस होता है, आईएस का कोई सिलेबस नहीं है। सबसे बड़ी और अच्छी चीज है, आईएस का कोई सिलेबस नहीं है। इसका एक ही पैटर्न है, इसमें चार मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। उस चार मॉड्यूल्स को हमने फॉलो करना होता है, जो एक सिंपल हम उसको कुछ ही मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। okay. वो हर एक बंदे की खुद की एलिजिबिलिटी पे मैटर करता है। सो यहाँ पे चार मॉड्यूल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट है स्पीकिंग, और सेकंड है राइटिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड फोर्थ इज लिसनिंग। अगर मैं बात करूँ स्पीकिंग पोर्शन की, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन होता है जो आप एज एन इंटरव्यू देते हो। इस इंटरव्यू में अगर बताऊं 20-25 मिनट्स की इंटरव्यू होती है और ये अलग दिन होती है, लेकिन जो ये तीन टेस्ट होते हैं ये सेम डे कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये तीन टेस्ट होते हैं जो वो 2:30 से 3 आवर्स के रहते हैं, लेकिन जो स्पीकिंग का टेस्ट है वो हाफ एन आवर का रहता है। तो अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले जो आपकी स्पीकिंग पार्ट है आपको उसको कवर करना है, जिसमें तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें होते हैं जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस आप कह सकते हो
आपसे रिलेटेड, आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन एक इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे पूछता है। सेकेंडली क्या होता है, क्यू कार्ड दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपको 2 मिनट लगातार बोलना और उसमें आपको कवर करना। और थर्ड इज अ फॉलोअप क्वेश्चन, जो रिलेट करते हैं क्यू कार्ड से, इससे रिलेटेड फॉलोअप क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो मेन जो मकसद है इस चीज का, वो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करना है, आपकी वोकैब को टेस्ट करना है, क्या आप उस कंट्री में सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। और सेकेंडली दैट इज अ राइटिंग टेस्ट। इसमें अगर आप एकेडमिक्स की बात करो, इसके फर्स्ट पोर्शन में आते हैं टास्क। टास्क क्या होता है, जैसे आपको कोई फिगर दी जाती है, कोई टेबल दिया जाता है, तो आपने जस्ट उसको एक्सप्लेन करना है, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। एंड सेकेंड पोर्शन इज अ एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में आपको कुछ भी टॉपिक दिया जा सकता है, जो आज के टाइम का मेन हॉट टॉपिक हो सकता है, कोई एजुकेशन से रिलेट हो सकता है, कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी से रिलेट हो सकता है, और उसको आपने उसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, और उसको आप जितनी सिंपल लैंग्वेज में करोगे वो उतना अच्छा है। एंड थर्ड पोर्शन इज आर रीडिंग। एंड रीडिंग में क्या होता है, 3 पैसेजेस दिए जाते हैं, 3 पैसेजेस में आपके पास बहुत सारा के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें MCQs होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको आंसर क्या करने हैं, एक पैसेज से ढूंढ के देंगे, ठीक है। एंड फोर्थ इज अ लिसनिंग, जो क्या होता है कि आपको एक रिकॉर्डिंग दी जाती है, आप उसको सुनते हो और ब्लैंक्स फिल करते हो, आप मैप को फिल करते हो एक एक्यूरेट आंसर देने के लिए। तो ये बहुत सिंपल चीज है जिसको हर एक बंदा क्वालिफाई कर सकता है। तो यही एक पैटर्न है जिसके थ्रू आप एक आईएलटीएस को क्वालिफाई कर सकते हो, और ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अंजलि जी, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत सिंपलीफाई करके चीज़ों को बताया। आपने बताया कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, स्पीकिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, रीडिंग और लिसनिंग के अंदर, जिसमें स्पीकिंग के अंदर व्यूअर्स अंजलि जी ने बताया कि उसका एग्जाम अलग से होता है एक दिन, और बाकी 3 राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग के एग्जाम्स जो हैं वो अलग दिन होते हैं। और इवन एक बहुत कमाल की बात अंजलि जी ने बताई कि बाकी सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें तो सिलेबस होता है, बट आईएलटीएस में कोई सिलेबस नहीं होता, तो ये वाला पॉइंट भी आपने शेयर किया। अंजलि जी, इसमें आगे बढ़ते हैं, आईएलटीएस की जब हम बात करते हैं तो हम बैंड स्कोर पे बहुत फोकस करते हैं, जी बिल्कुल, सो प्लीज इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को आप गाइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो आईएलटीएस टेस्ट है, जो इसका एग्जाम है, जो इसकी जो कैलकुलेशन होती है, अब जब हम कोई एग्जाम देते हैं, हम आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 100 हमें मार्क्स आते हैं, हम मार्क्स लेते हैं, लेकिन आईएलटीएस में हमें बैंड स्कोर्स दिए जाते हैं, दैट इज आउट ऑफ 9 इज द हाईएस्ट बैंड स्कोर। इससे आपको बैंड दिए जाते हैं, आपकी कैसे आपने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, आपके लेवल के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। और जो बैंड स्कोर्स आप वहाँ पे आपको टेस्ट में आप लेके आते हो, उस बेसिस पे आप कोई भी कंट्री जा सकते हो, लेकिन हर एक कंट्री का अलग प्रोसीजर है, उनका अलग पैटर्न है, और उनके अलग बैंड स्कोर्स रिक्वायरमेंट। अगर मैं कैनेडा की बात करूँ, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रेज है वो कैनेडा का है, ठीक है, तो जो एक +2 पास बच्चा है उसकी जो रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6 बैंड्स की है, कि उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसकी, जो ईच मॉड्यूल में 6 बैंड होनी चाहिए, जबकि अभी चेंजेस आ रही है कि 5.5 अगर एक मॉड्यूल में है तो तब भी वो फुलफिल हो सकता है, लेकिन अभी तक का जो क्राइटेरिया है कि आपको ओवरऑल 6 बैंड्स चाहिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपकी बैंड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तब भी आपकी बैंड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो उस बस रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल करना है, वो आपका मेन टारगेट होना चाहिए, और आपको सिंपलीफाई इस टेस्ट को कंसिस्टेंसी के साथ एक मंथ तक फॉलो करना है और एग्जाम में जाके बैठ जाना, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। सो व्यूअर्स, अभी अंजलि जी ने हमें बैंड स्कोर के बारे में भी बताया, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताई कि अगर आपने +2 करने के बाद अप्लाई करते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर बैंड स्कोर होता है, मगर अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस एक 12th क्लास का बच्चा और एक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चे का माइंड जो है वो ज़्यादा ओपन हो जाता है, तो उसके हिसाब से बैंड स्कोर भी जो है वो भी और बढ़ जाता है जो उसको क्लियर करना होता है। एंड फॉर डिफरेंट कंट्रीज जो बैंड स्कोर है और जो पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर है वो अलग अलग होता है सबके, सो इसलिए बैंड स्कोर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है।
अंजलि जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपने आयल्स के बारे में हमें बताया, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया, आपने एग्जाम पैटर्न को भी बड़े आराम से सिंप्लीफाई किया और इवन बैंड स्कोर भी बताया। क्या कोई और एक टिप हमारे व्यूअर्स के लिए जो उनके लिए और अच्छी तरीके से काम कर पाए, वो प्लीज आप उनको कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे कुछ जी वरुण जी, बिल्कुल। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जो आईएलटीएस का एग्जाम है वो तो इसी पैटर्न के साथ होगा, जो आईटीबीपी की गाइडलाइंस आएंगी उसी के साथ होगा, लेकिन एक मिथ है जो मैंने आज तक स्टूडेंट्स के माइंड में देखा है, जो उनके पेरेंट्स के माइंड में देखा है कि आईएलटीएस को हम यूपीएससी के साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम उसकी कोचिंग लेते हैं 1 ईयर 2 ईयर, तो बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर में एक एक साल दो दो साल आईएलटीएस को क्वालिफाई करने के लिए लगाते हैं, जबकि आईएलटीएस इतना ज़्यादा हैवी टेस्ट नहीं है कि इसको कोई बच्चा क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको आईएलटीएस क्लियर करना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ 1 मंथ और 2 मंथ चाहिए, और 3 मंथ से ज़्यादा किसी भी बच्चे को नहीं चाहिए, क्योंकि प्लस टू के बच्चे का जो लेवल होता है उसी के हिसाब से बैंड स्कोर की रिक्वायरमेंट भी है। तो उनको ज़रूर 2 मंथ या 3 मंथ के बाद अपना एग्ज़ाम फिल करना चाहिए और अपना लेवल देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। तो ये मेन चीज़ है, क्योंकि दिक्कत बहुत है और गाइडेंस नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो ये चीज़ करें कि अपना 3 मंथ में प्रोसेस स्टार्ट कर दें और अपना टेस्ट क्वालिफाई कर सकें। तो ये इसीलिए यही चीज़ इसी माध्यम से मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच अंजलि जी। आज आप टैलेंट अधिकतर के मंच पे आए और आपने हमें गाइड किया इन सब चीज़ों के बारे में। हम अपना वीडियो जब एंड करते हैं तो हमेशा एक स्टोरी के साथ करते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से हमारे व्यूअर्स का मुंह मीठा कराना होगा। सो आज जो स्टोरी है वो बड़ी कमाल की स्टोरी है। ये स्टोरी है एक राजा की। सो एक राजा ने क्या किया, सुबह एक अनाउंसमेंट कर दिया कि मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 4 बजे तक उसके राज्य में जो भी कुछ है, उसका मतलब चाहे खजाना हो, चाहे उसका हाथी हो जिससे वो बहुत प्यार करता है, घोड़े हो, जो भी खजाना, उसकी तलवार, सब चीजें, राजगद्दी, सब कुछ, वो सारी चीजें जो है उसने कह दिया कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक ले जाए। अच्छा। मेरे राज्य से कोई भी ले जाए, मैं उनको मौका देता हूँ ये सब चीजों। तो लोग आए, किसी ने राजा की तलवार ले ली, किसी ने राजा का हाथी ले लिया, कोई घोड़ा ले लिया, कोई राजगद्दी ले गया उनकी, कोई सारे खजाने ले गए गहने। करते करते जो 4 बजने का टाइम था उसमें सिर्फ 5 मिनट बचे थे, तो एक नन्ही सी बच्ची आई, 6-7-8 साल उम्र होगी उसकी। जब सब लोग सारा खजाना लेके जा चुके थे, उस बच्ची ने राजा के ऊपर हाथ रख दिया और उसने कहा मैं राजा तुमको लेके चलती हूँ। तो स्टोरी क्या है इसमें, ये जो है कि हम इस दुनिया के अंदर जो है, तो इस यूनिवर्स का जो राजा है, जो बॉस है, वो यूनिवर्सल एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, हम एसेट्स ले लेते हैं, हम मर्सिडीज ले लेते हैं, हम बड़ी बड़ी चीजें, बंगला ले लेते हैं, और कोई क्या होता है, उस राजा को ही ले लेता है। वो क्या करता है, लोगों से मिलता है, उनको खुशियां बांटने की कोशिश करता है, लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, उनको बूस्टअप करने की कोशिश करता है। तो वो राजा पे हाथ रख लेता है और वो कहता है राजा मेरा हो गया तो पूरा साम्राज्य मेरा हो गया। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि वो बच्ची तो 7 साल की थी, बट उसके अंदर इतनी डीप सेंस थी जो काफी बार 60-70-80 साल की उम्र में नहीं आती। तो ये एक और भी मैसेज देती है कि आपकी उम्र मायने नहीं रखती। आप अगर उम्र में कम है मगर आपका जुझारूपन और आपको माइंड में क्लैरिटी है, तो आप बहुत 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 अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये स्टोरी कहीं ना कहीं व्यूअर्स को भी हेल्प करेगी। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ भी चैलेंजेस चल रहे, आपको ऐसा भी लग रहा हो कि चीजें मुश्किल हैं, बट याद रखिए आपकी उम्र नहीं, आपके अंदर का जोश और जुझारूपन आपको आगे लेकर जाएगा। और उम्र से कुछ नहीं होता, आपकी एनर्जी और पावर मैटर करती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमेशा खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, और याद रखिए जैसे हम हमेशा कहते हैं, आप यूनिक हैं, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो अपने आप को सेलिब्रेट करिए। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।